अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार रिपीट भी होते हैं फिर भी इसमें कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए आज इसी को शॉर्ट कर प्रिसाइज करके डिफाइन करूंगा। इससे पहले मैं डिटेल में डिफाइन कर चुका हूं, लेकिन कोशिश करूंगा इस लेक्चर में टू द पॉइंट स्पेसिफिकली शॉर्ट करके डिफाइन करूँ ट्रिक को, क्योंकि जो पेज पर करेक्शन ऑफ एरर में भी मैं ये पूछता हूँ तो वहां पर भी अक्सर लोग गड़बड़ करते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है? कंडीशनल सेंटेंसेस वो जो अगर से शुरू होते हैं, इसमें फिर फोर टाइप्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और जीरो कंडीशनल। आज का टॉपिक है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। ये हमारा फ्यूचर के एक बिलीफ को शो करता है कि अगर हम ये करेंगे तो नतीजा ये निकलेगा। हमें यकीन होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मुझे यकीन है कि अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ उठना है, अगर मैं उठ गया एक दफा, अगर मैं सुबह जल्दी उठूंगा तो ऑफिस जल्दी पहुंचूंगा, आई एम श्योर अबाउट इट। सो फ्यूचर का कोई ऐसा यकीन कि जो आपको पता है कि अगर आपने पॉइंट ए हासिल कर लिया तो पॉइंट बी लाजमी हो जाएगा, वो तो कंफर्म है। मतलब अगर पाकिस्तान 300 स्कोर बना लेगा तो मैच जीत जाएगा। वी आर श्योर अबाउट दिस थिंग इन फ्यूचर कि अगर ये वाली ए पॉसिबिलिटी हो जाती है तो बी लाजमी होगी, वहां पर फर्स्ट कंडीशनल आएगा। उसका स्ट्रक्चर क्या है? उसका स्ट्रक्चर ये कि इसकी इफ क्लॉज प्रेजेंट सिंपल होगी और रिजल्ट क्लॉज आपकी फ्यूचर सिंपल होगी। अब जरा इसकी आइडेंटिटी इस तरह देख लें, अगर वो मैच खेलेगा, ये किसी भी प्लेयर का, या चलेगा अगर वो मैच खेलेगा तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। कोई भी प्लेयर है जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि फलाना प्लेयर अगर मैच खेलेगा तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, हम कहेंगे इफ ही प्लेज मैच, आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पाकिस्तान विल विन द मैच। अगली रिजल्ट क्लॉज में हमने लिख दिया कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, अगर वो मैच खेलेगा तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। अब जाहिर अगर वो मैच खेलेगा ये तो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट है, इफ ही विल प्ले होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम इफ क्लॉज को प्रेजेंट सिंपल कर देंगे और हम कहेंगे इफ ही प्लेज मैच। हमने आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट कर दिया, इफ ही प्लेज मैच पाकिस्तान विल विन द मैच। इसी तरीके से अगर ये पैसिव हो जाए तो उसी तरीके से आप पैसिव कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ द मैच इज वॉन, अगर मैच जीता जाएगा सब इंजॉय करेंगे, ऑल विल इंजॉय। इसके आगे आप बल्कि इंजॉय खाली भी लिख सकते हैं, इसके साथ देयर सेल्फ या देम सेल्फ आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि ये इसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लाजमी लगती है। सेल्फ के इंजॉय एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, तो इसलिए आपके साथ इसके साथ देयर सेल्फ या देम सेल्फ लगाना पड़ेगा। सो इफ द मैच इज वॉन ऑल विल इंजॉय देयर सेल्फ, के सब इंजॉय करेंगे। आपने देखा कि अगर पैसिव हो गया तो मैंने उसको एज इट इज पैसिव की तरह बना दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना, इधर दिस कंडीशनल इज फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। याद रखें उर्दू में जो इसकी ट्रिक है ना वो बड़ी मजेदार और जबरदस्त है, अगर वो मैच खेलेगा, अगर वाला हिस्सा अगर गा गी गे पर खत्म हो रहा है तो ये फर्स्ट कंडीशनल गिना जाएगा। अगर तुम तेज भागोगे, अगर वो गाड़ी चलाएगा तो वो जल्दी ऑफिस पहुंचेगा, अगर तुम सारे सवाल हल करोगे तो अच्छे नंबर हासिल करोगे, अगर तुम भागोगे तो रेस जीत जाओगे। तो आप देखें अगर वाला हिस्सा अगर गा गी गे पर खत्म हो रहा है तो फौरन अलर्ट हो जाएं, दिस इज गोना बी योर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, और फिर उसमें ये स्ट्रक्चर अप्लाई कर देना, इफ क्लॉज को प्रेजेंट रख दें और रिजल्ट क्लॉज को फ्यूचर रख दें। सो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, कोशिश की कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में और शॉर्ट कर इसको ज्यादा एग्जैजरेट ना करूं, आपको समझाऊं। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।